देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, पहले प्रूव क्या करना है, पहले आप ये देख रहे हैं आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना किसी ट्राइंगल में, ध्यान रखिए ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी इस साइड को हम प्रोड्यूस कर दें तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम है हमेशा इन दो एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम कर दिया जाए तो उसके इक्वल ये एंगल आता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम हमारे पास है, इसी थ्योरम का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन आपको गिवन क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये गिवन है कि इस एंगल का बाइसेक्टर करें तो ये ओ पॉइंट पर आता है, इस एंगल का बाइसेक्ट करें तो ये भी आता है ओ पॉइंट पर आता है, कहने का मतलब ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तब आपको प्रूव करना है कि दिस एंगल कौन सा, बी ओ सी मीन्स दिस एंगल, ये जो एंगल है वो 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी, इस एंगल के हाफ, 90 माइनस ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना, इतना हुआ। इसे सॉल्व करने का स्टूडेंट में बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ, लिखने का तरीका भी समझिए कि कैसे लिखा जाएगा। अच्छा रहेगा कि आप इन एंगलों को कुछ मार्क कर दें, लिखें इन एंगलों को, कि मान लेता हूँ ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इस तरह से मार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्री है, ये एंगल फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, मान लेता हूँ सेवन, और ये क्या है एट है, आप इस तरह से मार्क कर लेंगे तो आपको लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छी तरह से बात को समझ पाएंगे। तब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपके प्रूव करना है कि एंगल्स, ये एंगल कौन सा हो गया, एट हो गया ना, तो आपके प्रूव करना है कि एंगल जो एट है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल कितना है, सेवन, ये सेवन एंगल है, ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल इस तरह से मार्क्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना, किसी तरह की आप गलती नहीं कर रहे हो। अब आप देखिए आपको क्या गिवन है, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, तो आप लिख लें कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि एंगल वन जो है सर एंगल टू के इक्वल गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है आपका, है ना, ये बाइसेक्टर है, और आप कह सकते हो सर फोर जो है वो हमें फाइव के इक्वल गिवन है, ये दो बातें हमें गिवन है, ठीक। अब जरा देखिए हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम थ्योरम अप्लाई करेंगे ये कि इस एंगल का जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के इक्वल होती है, ये एंगल जो है हमेशा इन दोनों के क्या होता है, सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ये हो रहा है ना, ये एंगल किसके बराबर हुआ, आप कह सकते हो कि एंगल वन प्लस एंगल टू, ये एंगल वन प्लस एंगल टू, ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा ये, ये इक्वल होगा सिक्स प्लस सेवन के, ठीक है ना। आप लिखोगे एंगल सिक्स प्लस सेवन, लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ टू अपोजिट अपोजिट एंगल्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, चाहो इस प्रॉपर्टी का आप बहुत अच्छी तरह लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिएगा, हमेशा लिखिए भी, इतना आ गया। अब आप देखिए वन और टू आप इतना लिख सकते हो, और आप ये भी जानते हो कि वन और टू इक्वल हैं, तो आप इस वन की जगह टू रख लीजिए, एंगल टू प्लस एंगल टू। मैं वन की जगह टू क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर वाला टू यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस एंगल का साथ मुझे रिलेशन क्रिएट करना है, एट के साथ रिलेशन क्रिएट करेंगे तो हमें एंगल टू चाहिए, एंगल वन नहीं चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए कितना आएगा, टू टाइम ऑफ दिस इक्वल टू कितना आएगा, एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन आएगा। आप इसे लिख सकते हो टू टाइम ऑफ एंगल टू इक्वल टू, देखिए एंगल टू प्लस टू, तो इसे लिखेंगे टू टाइम ऑफ एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन, कितना आएगा स्टूडेंट, आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर भी एक रिजल्ट क्रिएट करिए, लिखिए कि फोर प्लस फाइव, क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे फोर प्लस एंगल फाइव इक्वल टू, क्या लिखोगे, ये फोर प्लस फाइव, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये सर थ्री और सेवन के इक्वल होगा, तो आप लिख लीजिए एंगल थ्री प्लस एंगल सेवन के इक्वल होगा, ठीक है ना। और ये आपके पास इसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया, ध्यान रखें, और आप यहां पर लिख सकते हो इस फोर की जगह पर एंगल फाइव, एंगल फाइव प्लस एंगल फाइव, ध्यान रखें फाइव की जगह आप फोर में लिख देना, आपको फोर की जगह फाइव लिखना है, क्योंकि हम फाइव एंगल का यूज इस ट्राइंगल के अंदर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू कितना रहेगा, ये रहेगा थ्री प्लस एंगल फोर सेवन, कितना आ गया। अब आप इसे कह सकते हो टू टाइम ऑफ एंगल फाइव इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल सेवन, है ना,
अब जरा ये आपके पास एक दूसरा रिजल्ट आ गया, अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड वन एंड टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, टू टाइम ऑफ एंगल टू प्लस टू टाइम ऑफ एंगल फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल सिक्स प्लस सेवन, एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन और इधर एंगल थ्री और प्लस एंगल सेवन, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर सेवन टू टाइम आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ज़रा ये देखिए कि हमारे पास इनको क्या कहेंगे, सिक्स प्लस सेवन प्लस थ्री कहाँ पर है, ये है सिक्स प्लस थ्री प्लस सेवन कितना होगा इनका सम, किसी एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, किसी एंगल के थ्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री ले सकते हो और आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ लिखिए एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 प्लस एंगल 7, ठीक है, आपने इसकी क्या लिख लिया है, 180 लिख लिया है, क्योंकि एंगल्स ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का जो सम है वो कितना आता है, 180 आता है। मेरी बात समझ रहे हो ना अच्छी तरह से, बहुत अच्छा। अब देखिए आप इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 5, आप जानते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना होता है, 180, भाई इन सब का सम कितना होता है, 180 होता है ना, तो आप यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 5 को क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 180 माइनस एंगल 8, 2 प्लस 5 प्लस 8, 2 प्लस 5 प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 8, तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये रहेगा 2 टाइम हमारे पास रहेगा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 180 माइनस एंगल 8 इक्वल टू 180 प्लस एंगल 7, ठीक है। अब देखिए हमारा ये रियल निकल के आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 माइनस 2 टाइम ऑफ एंगल 8 इक्वल टू कितना आएगा, 180 प्लस एंगल 7, ठीक है। अब देखिए इस 180 को आप इधर ले आइए, एंगल 7 को भी इधर ले आइए और 8 को आप इधर ले जाइए, ठीक है ना, क्यों माइनस वाला नंबर उधर चला जाएगा, तो 360 में से 80 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा सर, है ना, और माइनस का क्या बचेगा सर, एंगल 7 बचेगा, और इधर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ एंगल 8 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आप यूँ भी तो लिख सकते हो कि एंगल जो 8 है इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और माइनस हाफ ऑफ एंगल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये तो प्रूव करना था कि एंगल जो 8 है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 7 है। अब आप लास्ट में लिखना चाहो तो 8 की जगह क्या लिख दो, BOC लिख दो, 90 एज इट रहेगा, हाफ एज इट रहेगा और 7 की जगह पर BAC लिख दो और लिख दीजिए ये हैंस प्रूफ। स्टूडेंट ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया है, लिखने का तरीका एक डिफरेंट मेथड बताया है जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कई बार आप ये BAC, CAB इनके कन्फ्यूजन में हो जाता है तो थोड़ा लिख नहीं पाते हो, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो ये बात आप अपने फ्रेंड को जरूर बताओगे, है ना, और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करोगे ना मेरे कहने से, करिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, थैंक यू।